वेलकम गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी बाउंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक लड़की को बांधकर ज़मीन पर लेटाया होता है और इस सीन के बाद हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। एलिवेटर में एक लड़की होती है और दो और लोग उसमें आ जाते हैं और यही तीनों होते हैं हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर, जिनका नाम होता है कॉर्की, वायलेट और सीज़र। वायलेट कॉर्की को गौर से देख रही होती है और उन दोनों के बीच एक मोमेंट बन जाता है। वो लोग फिर लिफ्ट से निकलकर चले जाते हैं और कॉर्की भी अपने रूम में चली जाती है। कॉर्की एक जुर्म के लिए 5 साल जेल में रहकर आई होती है और अब वो प्लम्बर का जॉब करती है। अगले दिन वायलेट कॉर्की के रूम में उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और दोनों बातें करने लगते हैं। वायलेट कॉर्की में बहुत इंटरेस्ट ले रही होती है, जो कॉर्की को भी पता होता है। कुछ देर बातें करने के बाद वायलेट वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कॉर्की काम कर रही होती है और उसके बॉस का फ़ोन आता है कि एक कंप्लेंट आई है और तुम पहले वहाँ जाकर वो काम कर दो। कॉर्की वहाँ जाती है और वो कंप्लेंट वायलेट ने ही की होती है। वायलेट उसे बताती है कि मेरी एयरिंग सिंक में गिर गई है और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कॉर्की उसकी एयरिंग निकाल देती है और वायलेट उससे पूछती है कि क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगी, तो कॉर्की कहती है कि मैं बियर लूँगी। वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और वायलेट कॉर्की को अपना टैटू दिखाती है। टैटू दिखाने के बहाने वो कॉर्की का हाथ अपनी ब्रेस्ट पे ले जाती है और दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। वायलेट कॉर्की को सेड्यूस करने लगती है और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। वो रोमांस कर ही रहे होते हैं कि सीज़र भी आ जाता है। वो दोनों अपने आप को संभालते हैं और सीज़र कुछ देर बात करने के बाद कॉर्की को उसके काम के लिए पैसे देता है और कॉर्की वहाँ से चली जाती है। रात को कॉर्की अपनी गाड़ी से कहीं जा रही होती है और वायलेट उसके साथ आकर बैठ जाती है। वो कॉर्की को किस करने लगती है और फिर वो दोनों कॉर्की के रूम में चले जाते हैं और वहाँ जाकर भी रोमांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और कॉर्की को पता चलता है कि सीज़र माफिया के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है और वायलेट उसी के साथ रहती है। अगले दिन एक आदमी वायलेट से मिलने आता है, जिसे कॉर्की देख लेती है। रोमांस करने के बाद कॉर्की वायलेट से पूछती है और कहती है कि क्या तुम उसके साथ भी सोई थी। वायलेट कहती है कि वो काम से आया था और कुछ नहीं। कॉर्की उस पर बिलीव नहीं करती और चली जाती है। कुछ देर बाद कॉर्की देखती है कि कुछ माफिया लोग उस आदमी को पकड़कर लाते हैं जो वायलेट से मिलने आया था। वो उसे सीज़र के रूम में ले जाते हैं और उसे टॉर्चर करके पूछते हैं कि हमारे पैसे कहाँ हैं। मिकी उसे पूछता है कि तुम बता दो कि तुमने हमारे पैसे कहाँ रखे हैं। वो नहीं बताता और मिकी उसकी उंगली काट देता है और वो लोग उसे मार देते हैं। कॉर्की और वायलेट दोनों बातें कर रहे होते हैं और वायलेट कहती है कि मैं इस सब से दूर जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वायलेट कॉर्की को बताती है कि सीज़र $2 मिलियन यहाँ लाने वाला है और अगर तुमने मेरा साथ दिया तो हम दोनों वो पैसे लेकर यहाँ से भाग सकते हैं। कॉर्की कहती है कि ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं, लेकिन वायलेट के मनाने पर वो मान जाती है। थोड़ी देर बाद सीज़र पैसे लेकर आता है और पैसों के साथ खून से लथपथ होता है। वो कहता है कि हमें इन्हें ठीक करना होगा क्योंकि जीनो और जॉनी कल पैसे लेने आएंगे। वायलेट कॉर्की को सब बता देती है और कहती है कि सीज़र ने सारे पैसे एक सूटकेस में रख दिए हैं जो उसकी टेबल पर है। कॉर्की वायलेट से जीनो और जॉनी के बारे में पूछती है तो वायलेट बताती है कि सीज़र जॉनी को हेट करता है और वो उसे सिर्फ इसीलिए टॉलरेट करता है क्योंकि वो डॉन जीनो मार्जोनी का बेटा है। कॉर्की को सब समझ आ जाता है और वो पूरा प्लान बना लेती है। वो वायलेट से कहती है कि तुम जानबूझकर वो दारू की बॉटल तोड़ देना जो सीज़र जॉनी के लिए लाया है, फिर तुम दूसरी बॉटल लेने शॉप पर चली जाना, इसी बीच में वहाँ से पैसे लेकर निकल जाऊँगी। वायलेट बॉटल तोड़ देती है और शॉप पर नई बॉटल लेने चली जाती है। सीज़र भी नहाने चला जाता है और कॉर्की पैसे निकालती है और सूटकेस में पेपर्स रखकर चली जाती है। वायलेट बॉटल लेकर आती है और सीज़र से झूठ कहती है कि मैंने जॉनी को नीचे देखा और वो लोग चले गए। ये सुनकर सीज़र शॉक हो जाता है और वायलेट उसे कन्विंस कर लेती है कि उसने जॉनी को देखा था, लेकिन डॉन जीनो उसके साथ नहीं था। सीज़र सूटकेस खोलकर देखता है तो उसमें पेपर्स होते हैं। उसे लगता है कि जॉनी पैसे लेकर भाग गया और उसे पेपर्स के साथ फंसा गया। वायलेट उससे कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन सीज़र कहता है कि नहीं। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से गया तो सबको लगेगा मैं पैसे लेकर भाग गया और फिर वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। सीज़र वायलेट से कहता है कि मेरे पास अब भी टाइम है, मैं जॉनी से पैसे वापस ले आऊँगा। वायलेट कहती है कि मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाहती और यहाँ से जा रही हूँ। सीज़र उसे गन दिखाता है और कहता है कि तुम भी इसमें शामिल तो नहीं हो।
क्योंकि जॉनी हमेशा तुम्हारे करीब आना चाहता है और ना चाहते हुए भी वायलेट को वहाँ रुकना पड़ता है। जीनो और जॉनी पैसे लेने आ जाते हैं और सीज़र से मिलते हैं। वो लोग कुछ देर बातें करते हैं और जब जॉनी सूटकेस खोलता है तो उसमें पैसे नहीं होते। सीज़र जॉनी पे पिस्टल तान देता है और कहता है कि तुमने पैसे कहाँ छुपाए हैं, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। जीनो सीज़र से पिस्टल लेने जाता है और सीज़र जीनो और जॉनी दोनों को मार देता है। सीज़र घबरा जाता है कि उसने डॉन जीनो को मार दिया। वो वायलेट से कहता है कि हमारे पास 3 घंटे हैं और अगर मैं पैसे वापस ले आया तो मिकी से कह दूंगा कि जीनो यहाँ आया ही नहीं था और हम इनकी बॉडीज़ को ठिकाने लगा देंगे। सीज़र और वायलेट जॉनी के घर जाते हैं लेकिन वहाँ भी उनको पैसे नहीं मिलते, जिससे सीज़र और परेशान हो जाता है। सीज़र और टाइम बाय करने के लिए मिकी को फ़ोन करता है और कहता है कि जीनो पैसे लेने नहीं आया। वो दोनों फिर से घर वापस चले जाते हैं और वायलेट कॉर्की को फ़ोन करके बताने लगती है कि सीज़र भागने वाला है और हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। इतने में सीज़र वहाँ आ जाता है और वायलेट को फ़ोन पर बात करते हुए देख लेता है। उसे लगता है कि वायलेट ने मिकी को सब सच बता दिया, लेकिन जब वो नंबर को रीडायल करता है तो उसे पता चलता है कि दूसरे वाले कमरे में फ़ोन की घंटी बज रही है। वो दूसरे कमरे में जाने लगता है और वायलेट उसे रोकने लगती है। सीज़र उसे मारने लगता है और इतने में कॉर्की भी रूम में आ जाती है। सीज़र उसे भी मारता है और उसे बांधकर कमरे में फेंक देता है और फिर हम वही सीन देखते हैं जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। सीज़र गुस्से में होता है और वायलेट से कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया फिर भी तुम मुझे धोखा दे रही हो। वायलेट कहती है कि तुमने अपने काम के लिए मुझे यूज़ किया था, ठीक उसी तरह मैं भी तुम्हें यूज़ कर रही हूँ। सीज़र गुस्सा हो जाता है और वायलेट को बांध देता है। वो कॉर्की से कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया कि पैसे कहाँ हैं तो मैं वायलेट की उंगलियाँ काट दूंगा। वायलेट उसे बता देती है कि पैसे दूसरे कमरे में हैं, पेंट के डिब्बे में। वो कॉर्की को मारने वाला होता है और इतने में डोरबेल बज जाती है। वो कॉर्की को रूम में बंद कर देता है और वायलेट से कहता है कि जैसा मैं कहूँ मिकी के सामने वैसे ही बिहेव करना, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। सीज़र नहाकर आने का नाटक करता है और देखता है कि मिकी एक आदमी के साथ पिस्टल लेकर खड़ा होता है। वो उन्हें देखकर शॉक हो जाता है और फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। मिकी कहता है कि हम जॉनी के घर गए थे और वहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा था और इसीलिए हम यहाँ आ गए। मिकी सीज़र से पूछता है कि पैसे कहाँ हैं। वो सूटकेस देखता है और उसे खोलने वाला ही होता है कि इतने में वायलेट फ़ोन कर देती है। वायलेट जीनो बनकर फ़ोन करती है और कहती है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है और हम हॉस्पिटल में हैं। वायलेट सीज़र से फ़ोन पर कहती है कि मुझे पैसों का आधा हिस्सा चाहिए, नहीं तो मैं मिकी को सब सच बता दूंगी, और सीज़र मान जाता है। जीनो की खबर सुनकर मिकी और उसका आदमी सूटकेस लेकर चले जाते हैं और सीज़र वायलेट को कॉर्की के रूम में ले जाने लगता है, लेकिन वायलेट अपना हाथ छुड़ाकर नीचे भाग जाती है। वायलेट को पता चल जाता है कि सीज़र उन्हें भी मार देगा और वो मिकी को फ़ोन करके सब सच बता देती है और कहती है कि सीज़र ने मुझे ऐसा करने को कहा था। सीज़र कॉर्की के रूम में जाता है और कॉर्की खुद को खोल चुकी होती है। वो सीज़र से लड़ने लगती है और सीज़र फिर से उसे मारकर नीचे गिरा देता है। वायलेट पिस्टल लेकर आती है और सीज़र को मार देती है। अगली सुबह वो मिकी को बताती है कि सीज़र पैसे लेकर भाग गया और मिकी कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे हम ढूंढ लेंगे। मिकी वायलेट से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन वायलेट कहती है कि मैं इस सब से थक चुकी हूँ और अब मैं नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। वो मिकी को किस करती है और मिकी चला जाता है। वायलेट कॉर्की के पास जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हमारी मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।